आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एज कैलकुलेशन के ऊपर। एज कैलकुलेशन बेसिकली ज्यादातर हम कंपनी बेस पे काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इसका कोड जान लेते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो आपको इसमें फॉर्मूला लगाना होगा डेटेड इफ, और इसमें सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट मतलब जैसे कि DOB, किसी की डेट ऑफ बर्थ। और दूसरा हम सेलेक्ट करेंगे एंड डेट। एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे इंटरवल जो है वो कोड हमें यूज करना है कि हमें क्या फाइंड करना है, ईयर फाइंड करना है, मंथ फाइंड करना है, डे फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेथड जो यूज होगा, यहाँ पे m, अगर आप m कोड लगाते हैं तो ये काउंट करेगा आपके मंथ को, जो कि आपके एज के हिसाब से काउंट करेगा। सेकेंड कोड यूज होता है d, जिसे हम डेज कहते हैं, और ये डेट काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। y का यूज करते हैं हम ईयर को काउंट करने के लिए, और ये हमारे ईयर को काउंट करेगा। YM हमारा जो काउंट करता है, ये ईयर एंड मंथ कोड यूज होता है, जिसमें कि हम ईयर और मंथ दोनों को काउंट करते हैं। YD का यूज करते हैं ईयर बिटवीन डेज, मतलब कि जो हमारी एज हो गई है उसके जो लास्ट ईयर होता है उसकी कितनी डेज हो गई है वो काउंट करता है YD। और MD का यूज करते हैं मंथ बिटवीन ऑफ डे, मतलब कि महीना और डेज के बीच के दिन को हम काउंट इसमें करते हैं। तो इसको हम एक फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, जिसमें एक लिखा हुआ है स्टार्ट डेट और एक दिया हुआ है एंड डेट। तो हमें स्टार्ट डेट से एंड डेट का हमें सबसे पहले ईयर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल डेटेड इफ, डेटेड इफ लिखने के बाद सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट को कॉमा, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे एंड डेट को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वाई, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ईयर एंड डेट कैलकुलेशन के लिए शो कर रहा है, एंड इंटर। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आप काउंट देख सकते हैं कि इसमें ईयर को काउंट कर लिया सबसे पहले। फिर आता है ईयर बिटवीन ऑफ मंथ, मतलब कि हमें इसमें काउंट करना है मंथ को। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा इक्वल डेटेड इफ, डेटेड इफ लिखने के बाद सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ को, उसके बाद हमें यहां टाइप करना है YM। ये कोड होता है ईयर एंड मंथ का, तो इससे आप मंथ फाइंड कर सकते हैं इजीली। अगर ये फॉर्मूला आप बार बार लगाते हैं तो इसको आप एडिट करके कॉपी भी कर सकते हैं कंट्रोल सी से। अब जैसे कि हमें ये फाइंड करना है मंथ बिटवीन ऑफ डेज, तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे इक्वल डेटेड इफ, और यहां पे हमें टाइप करना है MD। तो MD से हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं मंथ बिटवीन ऑफ डेज कि कितने महीने और डेज हो चुके हैं ईयर एंड मंथ के अंदर में। तो यहाँ पे हमें तीनों चीज काउंट करने के लिए मिल जाता है। तो हम इससे पता कर लेते हैं कि कैंडिडेट की कितनी आयु हो गई है, कितने साल का हो गया है, कितने महीने का हो गया और कितने दिन का हो गया। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है टोटल ऑफ मंथ, हमें सिर्फ महीना यहाँ फाइंड करना है। तो मंथ के लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, और यहाँ पे सिर्फ m लगाना है। तो m टैग से हमें टोटल मंथ का पता लग जाता है कि कैंडिडेट के स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट का कितना मंथ हो चुका है। उसके बाद हम निकालते हैं टोटल डेज। टोटल डेज के लिए हमें क्या करना है, तो टोटल डेज के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इक्वल डेटेड इफ, और सेलेक्ट करना है स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा YM। तो YM की जगह पे हम यहाँ लगा देंगे D। तो D से हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारे एज कैलकुलेशन में हमारे कितने दिन हो गए हैं स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक के बीच में। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ईयर बिटवीन ऑफ डेज, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 14 ईयर है उसके नेक्स्ट ईयर आने में हमें और कितने दिन ऐड करने होंगे या कितने दिन हमारे हो गए हैं। तो इसमें हमें पता लग जाता है कि हमें कितना हमारे एज में कितने हमारे दिन हो गए हैं। तो सेम फार्मूला लगाना है इक्वल डेटेड इफ, और यहाँ पे आपको सिर्फ लगाना है YD। तो YD से ईयर एंड डेट काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया 172 डेज। तो इसे अब एक फॉर्मेट के रूप में हम इसे क्रिएट करेंगे। तो इसे कैसे बनाना है ये हम यहाँ पे समझेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे एज को। तो सबसे पहले यहां लिखना है इक्वल डेटेड इफ और सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और वाई। ईयर निकालने के लिए हम वाई कोड यूज करते हैं, तो इससे हमारा ईयर काउंट हो जाएगा। तो हमारे डेट ऑफ बर्थ से लेके अभी तक का डेट हमने काउंट किया, तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है 27 ईयर, मतलब हमारी एज जो हो गई है वो 27 ईयर की हो गई। मंथ के लिए प्रेस करेंगे, सेम फॉर्मूला यहाँ पे आपको पुट करना है, इक्वल डेटेड इफ और यहाँ पे हमें लगाना है वाई एम। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करेगा ईयर बिटवीन ऑफ मंथ, तो यहाँ पे शो कर रहा है वन मंथ और उसके बाद आता है यहाँ पे डेज। तो डेज के लिए सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, इक्वल डेटेड इफ और यहाँ पे आपको लिखना है एम डी मंथ एंड डेज। तो मंथ एंड डेज का कोड जब यूज करेंगे तो ये हमारा डेट बता देगा। तो ये हो गया हमारा एज 27 ईयर 1 मंथ 3 डेज। अब हमें टोटल मंथ फाइंड आउट करना है, तो टोटल मंथ के लिए हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे सिर्फ एम। तो यहाँ पे हमें एम फाइंड आउट करने से पूरा महीना हमारा बता देगा, और अगर हमें डेज निकालना है तो डेज निकालने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ डी टैग का इस्तेमाल करता है। और आता है इसके बाद ईयर बिटवीन ऑफ डेज, तो इसके अंदर हमें ईयर और डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पे हमें लगाना होगा वाई डी। तो जैसे हम वाई डी निकालेंगे तो यहाँ पे 34 डेज हो चुका है ऑफ 28 ईयर, मतलब 28वें साल में हमारे 34 दिन अभी यूज हो गए हैं। तो इस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ का पूरा कैलकुलेशन इजी तरीके से इसमें कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसमें सारा कुछ निकालना है, हमें ईयर भी निकालना है, मंथ भी निकालना है और डे भी निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ऐड करके, जिसे हम कहते हैं कंबाइन। तो कंबाइन में हम फॉर्मूले को ज्वाइंट करके बनाते हैं और इसके अंदर हम इसे यूज करेंगे, इक्वल डेटेड इफ और सबसे पहले सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा वाई। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एंड फंक्शन। एंड जो होता है वो ऐड करने के लिए होता है किसी भी डेटा को, तो यहाँ पे हम ऐड करके इसे लगाएंगे और फिर से हमें यहाँ पे लिखना है इन्वर्टेड कॉमा स्पेस ईयर, फिर देना इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद फिर से हमें एंड लगाना है और सेम फॉर्मूला हम दोबारा पुट करेंगे। तो इस फॉर्मूले में हमें लिखना होगा डेटेड इफ डेट ऑफ बर्थ से करंट डेट और यहाँ पे लिखना है वाई एन एम, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा ईयर एंड मंथ। फिर हमें लगाना है यहाँ पे एंड फंक्शन और इन्वर्टेड कॉमा देके लिखना है मंथ इन्वर्टेड कॉमा और फिर से एंड लगाएंगे। एंड लगाने के बाद हमें तीसरा फंक्शन यूज करना है डेज के लिए, तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एम डी मंथ एंड डे। तो यहाँ पे हमने पहला टैग लगाया वाई, दूसरा लगाया वाई एन एम और तीसरा लगाया एम एन डी और डेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे एंड फंक्शन लगाना है इन्वर्टेड कॉमा और फिर यहाँ पे लिखना है डेज इन्वर्टेड कॉमा और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने एक ही सेल के अंदर में तीनों फॉर्मूले को एंड फंक्शन के द्वारा कैलकुलेट कर लिया। अब इसे हम प्रेस कर लेंगे कंट्रोल डी से फिल डाउन। तो इस तरीके से हम इजी तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे हम इजीली तरीके से ऐड करके बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी हुई है सभी एम्प्लॉय की और हमें ये बताना है कि एज इन, मतलब कि कितना एज हो गया है ईयर एंड ईयर एंड डेज का। तो इसके लिए हम दो फॉर्मूले इसमें एक साथ लगाएंगे और फंक्शन के साथ लगाएंगे, कैसे तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेस करना है इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट और सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद लिखना है टुडे। टुडे जो होता है ये आज के लिए फंक्शन होता है,
तो यहाँ पे हम डेट के लिए टुडे इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम आज की डेट इमिडिएटली ला सकें। उसके बाद लगाना है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वाई, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर एंड फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंड ईयर्स, इन्वर्टेड कॉमा, फिर से एंड लगाएंगे और सेम फॉर्मूला दोबारा हम यहाँ पुट करेंगे। तो डेटेड इफ बी, डेटेड इफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉमा टुडे और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लगाना है वाई डी, ईयर एंड डेज, इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे एंड लगा के फिर से हम यहाँ लिखेंगे ईयर बिटवीन डेज। और इसको हम बंद करके क्लोज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 36 ईयर यहाँ पे और 248 डेज ईयर बिटवीन ऑफ डेज के कैलकुलेशन में आ गया। तो इसे कई तरीके से आप बना सकते हैं अलग अलग फॉर्म पे काम करने के लिए, और इसे यहाँ फिल डाउन कर लेंगे तो सभी एम्प्लॉय का यहाँ पे डेटाबेस निकल के आ जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय कितने महीने और कितने साल तक उसने काम किया है। तो यहाँ पे 36 ईयर 248 डेज इसने वर्क किया हुआ है, तो यहाँ पे पूरा हम काउंट कर सकते हैं एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। तो इसको हम एज कैलकुलेशन फंक्शन कहते हैं और ये ज्यादातर डेट ऑफ बर्थ और कंपनी के डेटा को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।